हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिल्वर सिटी राइडर्स। मैं स्वरूप आपको स्वागत करता हूँ मेरा सिल्वर सिटी राइडर्स के चैनल में। तो अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएगा हमारा वीडियो पहले देखने के लिए। तो चलिए आज कुछ बातचीत करेंगे बाइक के मेंटेनेंस के ऊपर। और कुछ मेरे साथ हुआ था कुछ ऐसा प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो लेके आप तकलीफ में ना रहे फ्यूचर में। तो 1 वीक से पहले क्या हुआ था, मेरा घर का थोड़ा कुछ काम चल रहा था तो बाइक नहीं निकाल पा रहा था। बहुत धूल हो गए थे और डस्ट हो गए थे और मैं भी थोड़ा बिजी रह गया था तो इसलिए गाड़ी नहीं निकाल पाया। तो जब 1 वीक के बाद गाड़ी निकाला तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैं सोचा कि शायद कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो, या बैटरी डाउन हो, या फ्यूल कम हो, तो पहुंच नहीं रहा है फ्यूल, तो इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जब मैं इग्निशन ऑन किया तो बैटरी ठीक था, कंसोल भी लाइट ठीक जल रही थी और इंजन क्रैंक भी सही ले रहा था। तो जब पेट्रोल की चेक की बारी आई तो पेट्रोल भी था सही सलामत जितना स्टार्ट होने के लिए चाहिए। तो फिर क्या हुआ, मैं गाड़ी लेके आया बाहर, स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए ये वाला वीडियो। तो ये वीडियो आपने देखा तो कैसे स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, मैंने टीवी सर्विस सेंटर को फोन किया, जो उनके एक मोबाइल सर्विस है, जो घर पे जाके या बाहर में कहीं पे भी आपका बाइक खराब हो ऑन स्पॉट तो वो ठीक करते हैं। तो उनको कॉल किया, कॉल करने के बाद क्या किया, फोन नहीं उठा। एक बार फोन नहीं उठा, दूसरा बार फोन किया तो बोले कि ठीक है आपका घर का एड्रेस हो, मैं रजिस्टर करवाया अपना घर का एड्रेस। तो फिर वो आने के लिए 2 दिन लगा लिए, फोन फिर से बिजी हो गया। थर्ड डे के बाद मैं डिसाइड किया नहीं, उनके पास जाऊंगा, मेरे भाई का क्या प्रॉब्लम है उनसे पूछूंगा। तो यार ऐसा चीज है कि टीवीएस इतना अच्छा चीज दे देता है कि घर पे जाके करने का या ऑन स्पॉट के ऊपर जाके करने का ये, मगर मेरे को वो फैसिलिटी नहीं मिला। तो उसके लिए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी है छोड़ो। तो फिर जाके मैं सर्विस सेंटर जाके बोला कि एक्चुअली मेरा मैकेनिक है, उनका नाम मले भाई है। तो उनको बोला कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप ले क्यों नहीं आते। मैंने बोला ले कैसे आ, गाड़ी तो बंद है, स्टार्ट नहीं होता, फिर एक प्रॉब्लम है तो आप जाके ऑन स्पॉट ठीक करो। बोले कि ठीक है एक काम करो, तुम घर जाओ और वहाँ पे एक स्पार्क प्लग होगा उसको खोलो, और उसको जो है जिस पॉइंट से इग्निशन होता है उसको थोड़ा सैंड पेपर से घिस लो और वो क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट कर लिया, घिसा, फिर उसके हेड में कनेक्ट किया, फिर उसके बाद वो स्टार्ट हो गया, सही है, अच्छा लगा, ठीक है। सोचा कि हाँ कोई उसमें फॉल्ट रहेगा और इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा था, कार्बन हो गया। कल कल क्या हुआ, रास्ते में जा रहा था, 10-11 बज रहे हैं, वहाँ पे दुकान सारे बंद हो गए थे, तो कल यहाँ पे ठंड की वजह से थोड़ा दुकान जल्दी बंद हो गए थे। तो फिर एक शॉपकीपर था, उसको जाकर मैं पूछा कि एक्चुअली मेरा बाइक का क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी बंद हो रहा है। उसके नज़दीकी बगल में एक गैरेज था जिसमें मैंने दिखाया, फिर वो प्लग को खोला और देखा कि नहीं आपका प्लग का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट हो गया। तो फिर मैंने प्लग को फिर वहीं से खरीदने की कोशिश किया, तो मुझे उसमें कोई पता नहीं चला कि एक्चुअली वो प्लग में एक्चुअली किस साइज का है और किस टाइप का थ्रेड है और क्या क्या है उसमें, कौन सा सीरीज का लगता है मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने वो प्लग के डिटेल के बारे में ग्रुप में डिस्कशन किया, मैंने उनको हेल्प मांगा, हेल्प भी मिला, अच्छे हेल्प मिले। उसके बाद कुछ कमेंट ऐसा आया, मैं सोच में हैरान में पड़ गए। तो जब मैंने पूछा कि आई नीड हेल्प एंड आप बताइए कौन सा प्लग मेरे गाड़ी के लिए सूटेबल है और अभी इमरजेंसी के टाइम में गाड़ी बंद हुआ है तो क्या करें, एक मस्त वाला आंसर मिला। तो अभी सुनने में कि
मतलब ठीक है, जो कोई जानता है तो आंसर दे दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या आंसर था, मगर वो आंसर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक आंसर था कि मेरा FI वाला इंजन है, तो आई रियली डोंट नो कि उसमें कौन सा प्लग लगता है, वैसे ही किलोमीटर के हिसाब से चलता है, तो आप जो कोई भी प्लग लगा। फिर सोच में पड़ गया कि उसमें ऐसे क्या, जो कोई प्लग कैसे लगेगा। फिर दूसरा बात, फिर वो पिक्चर मैंने क्लिक किया और वो पिक्चर उसमें अपलोड किया, फिर बोले कि हाँ ये भी चलेगा। फिर मैं और कंफ्यूज हो गया, तो ये भी चलेगा मतलब जो कोई भी प्लग वो चलेगा, थ्रेड का भी कोई कैलकुलेशन है क्या है क्या नहीं। तो मैं थोड़ा फिर से कंफ्यूज हो गया, फिर आखिरी में अच्छा आंसर आया, मैं पॉजिटिव वहीं पे मतलब सोचा कि हाँ ये पॉजिटिव आंसर। वो बोले कि जो प्लग है वही प्लग लगा के चले आओ, ओरिजिनल वाला शुरू में इंस्टॉल कर। तो मैंने क्या किया, एक प्लग खरीदा वहां से, तो मैंने NGK का ये प्लग खरीदा है, तो इसका कुल कीमत है 110 रुपये, जो MRP के हिसाब से 118 रुपये है। तो मैंने ये प्लग पहले डाउटफुल में खरीदा था, मगर आज आपको बताऊँ ये परफेक्ट प्लग है, जो उसके अंदर ऐसे टू फेसेस वाला ट्विन स्पार्क का फेस है, जो जिस जो देख रहे हैं ये वाला हुक जैसा, ये एक फेस है, तो इसके जैसे और एक फेस ऐसे बगल में रहता है ऐसे, तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो उसमें ज़्यादा स्पार्क आते हैं और स्टेबल स्पार्क रहते हैं। और वैसे ही देखने के लिए NGK स्पार्क इज बेस्ट फॉर योर बाइक, जो 200 cc के बाइक्स है, और जैसे 200 cc के नीचे भी 160, 180 और 200 cc के तक ये प्लग बहुत ही अच्छा है, और ये रिकमेंडल है सिर्फ 160, 180, 150, 200, 220 तक, तो आप 250 में भी मैक्सिमम तक लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लग है NGK का, जो मैं कभी बहुत बार पहले सुना था कि ये प्लग इंस्टॉल करने के बाद आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं रहता। फिलहाल मैं मेरे बाइक में बोलूँ कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि क्यों उसमें स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। हमेशा हर एक स्टार्ट में वो चौक देके स्टार्ट करना पड़ता है। फिलहाल ये मेरा प्लग का हालत है, तो आप देख रहे हैं ना ये कितना कार्बन हो गया। तो चलिए ये तो मैं चेंज कर दिया, अभी ये वीडियो देखिए कि कैसे अच्छे से स्टार्ट होता है। मगर फर्स्ट स्टार्ट तो हमें बोल दिया कि पर फर्स्ट स्टार्ट है, मगर ये चौक लेके ही स्टार्ट होता है, देखिए। तो ये मेरा है 200 अपाची 4V का बाइक, तो एक सेल्फ में स्टार्ट होगा। तो ये एक्चुअली क्या है कि सुबह के टाइम में बाइक का हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है इस बाइक में पर्टिकुलर, क्योंकि भाई मुझे आज तक भी पता नहीं चला कि ये क्यों सुबह स्टार्ट नहीं होता, हमेशा एक चोक देना पड़ता है। बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है तब, जब सुबह आप जल्दी से निकलना चाहते हो, चोक दे के स्टार्ट सेल्फ मार के निकलना चाहते हो। तो ये चोक देने के बाद देखिए परफेक्ट स्टार्ट हो गया। हाँ, तो ये आपने ये वीडियो देख लिया है तो कैसा स्टार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मगर थोड़ा वो चोक के लिए स्टार्ट का प्रॉब्लम रह रहा है। आप अगर कोई ऐसे भी 150 या 160, 200 जो भी आपके पास बाइक है, सुबह आप उठते ही तुरंत सेल्फ मत मारिए, क्योंकि उसमें बैटरी डाउन होने का चांसेस रहता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि आप हमेशा अगर आपके बाइक में किक है तो किक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। थर्ड पॉइंट इज कि आपका अगर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, तो अगर आप जानते हैं कि प्लग कैसे खोला जाता है, प्लग का नॉट बोल्ट जो है और रेंच लगा के खोल के फिर से साफ करके भी डाल के साफ कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार प्लग को जरूर साफ कीजिएगा, 10,000 किलोमीटर में नया प्लग इंस्टॉल कीजिए। और बाइक का अगर चेन का प्रॉब्लम है, कहीं पर लॉन्ग रूट जाना पड़ रहा है या लॉन्ग डिस्टेंस राइड करना पड़ रहा है, तो आप हर 500 किलोमीटर में चेन जरूर टाइट कीजिए, ल्यूब कीजिए, साफ कीजिए और ल्यूब देना मत भूलिए। हर वॉश के बाद ल्यूब करके साफ कीजिए,
ये अच्छा है चेन का लॉन्जिविटी के लिए। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप हमेशा गाड़ी चलाते वक्त ये ध्यान में रखिए कि आपको अगर इनिशियली पिकअप को अगर आप बार बार यूज कर रहे हैं तो चेंज पॉकेट के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक झटके से चेंज पॉकेट के ऊपर प्रेशर आता है जो कि चेन तुरंत ही लूज हो जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ कभी कभार एक बार इनिशियल पिकअप ले लिए तो चलेगा, बार बार मत लीजिएगा, प्रॉब्लम हो सकता है आपके बाइक। जिन लोगों का किक नहीं है बाइक उनके लिए एक खास पॉइंट है मैं बोलने जा रहा हूँ कि उसमें जितना हो सके फैंसी चीज अवॉइड कीजिए, ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज जैसे बैटरी के ऊपर डिपेंड करने वाला कोई भी ऐसा चीज मत लगाइए, क्योंकि एंड यूजर अगर कोई बैटरी के ऊपर प्रेशर आ गया तो आपका स्टार्ट होने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जिस गाड़ी में किक नहीं होता वो सारा चीज इंजन का जितना भी स्टार्टअप इग्निशन का सब डिपेंड होता है बैटरी के ऊपर। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, और देखते रहिए सिल्वर सिटी राइडर्स। मैं स्वरूप आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आऊंगा। टेक केयर सर, बाय।